नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव में आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर, दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी के लिए आज के दिन वोटिंग होगी। थोड़ी देर में सिविक सेंटर में वोटिंग की जाएगी स्टैंडिंग कमेटी की। एमसीडी में महत्वपूर्ण भूमिका है। आम आदमी पार्टी बीजेपी में लगातार खींचतान जारी है। स्टैंडिंग कमेटी की वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी को झटका। आम आदमी पार्टी के पार्षद पवन सहरावत बीजेपी में शामिल। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी में लगातार खींचतान जारी है। तस्वीरें अब आप देखिए कल के दिन की, जब जमकर हंगामा हुआ, देर रात भी यही हुआ। कल के दिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इसी तरह से पहले खाना खाकर तो कभी नाश्ता करके, लेकिन आज के दिन क्या वोटिंग हो पाएगी, इंतजार है सभी को, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना है। ऐसे में 18 सदस्य क्या वो चुने जाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी की एमसीडी में महत्वपूर्ण भूमिका। ये तस्वीरें आज के दिन के, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी काफी महत्वपूर्ण भूमिका। वहीं मुकेश गोयल, जिनसे बातचीत की हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने, आम आदमी पार्टी के वो नेता हैं, सुनिए आप भी क्या कुछ कहा उन्होंने। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद सिविक सेंटर के सदन में अभी भी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए जो वोटिंग है उसका पेच फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता सदन मुकेश गोयल जी हैं। मुकेश जी, जो हंगामा परसों रात हमने देखा, क्या आज जो सदन की कार्रवाई शुरू होगी, क्या चुनाव आगे से होगा, 45 जो वोट पड़ चुके हैं, या फिर शुरुआत से होगी? इसके अंदर जब सदन की बैठक चलेगी उसके ऊपर महापौर महोदय क्या निर्णय लेती है, ये उनके विवेक के ऊपर है, और जिस प्रकार से भी होगा, लेकिन आज हमारी मंशा यही है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव हो। चुनाव से सदस्यों के चुनाव से पहले ही, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव से पहले ही आपके एक पार्षद तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कैसे देखते हैं? मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जानकारी होगी तो बताएंगे। मुझे नहीं पता किन परिस्थितियों की वजह से और किस वजह से उनका, ये भी हो सकता है उनका कोई निजी स्वार्थ, और निजी स्वार्थ के वश वो पार्टी छोड़ के चले गए। अभी भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन होता है उसके पास काफ़ी पावर होती है, प्रशासनिक और आर्थिक फैसले लेने का अधिकार उनके पास होता है। आपको लगता है कि जो आपने चार उम्मीदवार उतारे स्टैंडिंग कमेटी में, कितने जीतने की उम्मीद? हमें उम्मीद है कि हमारे सभी उम्मीदवार जीतेंगे, और वो आशा के तहत ही उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। लग रहा है कि आज शांतिपूर्वक हो सकता है चुनाव, क्या उसी की तरह? हमारी आशा तो हमेशा यही रहती है कि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो, और हम यह भी चाहते हैं लोकतंत्र के अंदर जिसको जनता जनादेश देती है, जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आपने देखा पिछले 2.5 महीने से जिस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है, वो किसकी वजह से बनाया जा रहा था और क्यों बनाया जा रहा था। जो हमारे महापौर और उपमहापौर परसों चुने गए, उन्हें 2.5 महीने पहले चुन लिया जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें थी, कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को दिक्कत थी, जिसकी वजह से परेशानी हुई। कल मेयर साहिबा ने भी कहा कि जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है संपत्ति को, उसका अब हरजाना भी उन्हीं से भुगतना होगा, ये भी कहा गया। हाँ, इसके बारे में चर्चा होगी, आज उस सदन के अंदर चर्चा होगी, और महापौर महोदय ने जो कहा आपने देखा ही है कल रात में, और परसों जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा मचाया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो सरकारी संपत्ति देश की संपत्ति है, उसको मैं समझता हूं किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। आखिरी सवाल, रेखा गुप्ता और अमित नागपाल ने जो किया सदन के अंदर, क्या उन पर कोई कार्रवाई? वो बहुत निंदनीय है, इस तरह का लोकतंत्र के अंदर इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। हमने तो कभी सुना था यूपी बिहार जैसे स्टेट के अंदर कोई बैलेट बॉक्स उठा के ले जाता था या कोई इस तरह के मत पत्र फाड़ देता था, लेकिन हमने तो यहाँ सदन में देश की राजधानी के अंदर इस तरह सत्तारूढ़ जो दल था पीछे, उन्होंने जिस प्रकार की हरकतें करी वो सारी दिल्ली ने देखी, सारे देश ने देखी, उनकी टीवी फुटेज है, और उसके अंदर जो महापौर मुद्दे जो भी संज्ञान लेगी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के नेता सदन मुकेश गोयल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव हो, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर क्या वो चुनाव जो 45 वोट पड़ चुके हैं उससे आगे से वोटिंग होगी, या फिर नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो आपने सुना आम आदमी पार्टी के नेता को, लेकिन वहीं आतिशी आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रही है आज के दिन के चुनाव को लेकर, सुनिए आप।
उनको डराने की, धमकाने की एजेंसीज को उनके खिलाफ यूज करना, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, चाहे, तो वो हर प्रकार से अपने विपक्ष को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, तो नॉन तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। मैम एक सेकंड, पार्टी को भारी बहुमत से जिता के भेजा है, ये क्या तरीका है? आप चुनाव नहीं जीते तो दूसरी पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे। आज ये एनसीडी में कर रहे हैं, कल किसी राज्य में कर सकते हैं, फिर पार्लियामेंट में कर सकते हैं। अगर उनकी बहुमत नहीं आई तो वो कोई सरकार ही नहीं बनने देंगे। लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर आंखों पर होना चाहिए। स्टैंडिंग के 6 सदस्यों के लिए 47 लोग वोट कर चुके थे, नो के हमने पर्चा था। बीजेपी का कहना है कि शुरू से वोटिंग का आयोजन एक नंबर से दोबारा शुरू। पर आप मुझे बताइए, मान लीजिए आज 100 वोट पड़ने के बाद बीजेपी फिर से कह देती है कि नहीं फिर से एक से शुरू करिए, ये क्या तरीका है? आप बैलेट का डब्बा चोरी कर रहे हो, आप उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हो, आप बैलेट पेपर की पर्ची फाड़ रहे हो। भारतीय जनता पार्टी वाले भी कहना, मान लीजिए हम कह भी देते हैं कि भाई एक से वोटिंग शुरू कर लीजिए, वो फिर से ये हरकतें कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो मेयर का चुनाव हार गए, वो डिप्टी मेयर का चुनाव बुरी तरह से हार गए। तो चुनाव रोकने की कोशिश सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उन्हें पता है वो स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव हार रहे हैं। आपने देखा रेखा गुप्ता जी जो उनकी मेयर की प्रत्याशी थी, किस प्रकार से सबने उनका वीडियो देखा है, माइक फोड़ रही है, तारे खींच रही है, पोडियम तोड़ रही है, ये क्या है? लोकतंत्र का सम्मान करे बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार बन ले। आपने रेखा गुप्ता जिक्र किया, इससे जुड़ा हुआ सवाल, रेखा गुप्ता ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरे साथी पार्षद के साथ मारपीट की गई, महिला पार्षद के कपड़े फाड़े गए, जो मेरा रिएक्शन आया उसके विरोध में। रेखा गुप्ता जी का वीडियो पूरी दिल्ली ने और पूरे देश ने देखा है, आज पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश की राजधानी में क्या कर रही है। पूरा देश ये देख रहा है कि जो महिला मेयर बनना चाह रही थी दिल्ली में, एमसीडी के हेड बनना चाह रही थी, कौन भरोसा करेगा? कौन ऐसे माइक तोड़ता है, कौन पोडियम फोड़ता है? आप चुनाव हार गए हो, अपनी हार को डिग्निटी के साथ और सम्मान के साथ अपनी हार को मानिए और आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से बनने दीजिए, निकाल के बाहर फेंक दिया। तो आपने आदित्य जी को सुना, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी है क्या, दर्शकों को जाना ये भी बहुत जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि अगर स्टैंडिंग कमेटी क्या है, स्टैंडिंग कमेटी की पावर क्या है। कुल 18 सदस्य होते हैं स्टैंडिंग कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी मेयर से भी ज्यादा पावरफुल होती है। इन 18 सदस्यों के हाथ में पूरी पावर होती है, इसीलिए लड़ाई हो रही है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर। कमेटी में 6 के अलावा 12 सदस्यों को 12 अलग अलग जोन से चुनकर लाया जाता है। आम आदमी पार्टी हालांकि देखिए इसमें भी आगे दिखाई दे रही है आंकड़ों में, जोन की मीटिंग में एल्डरमैन यानी कि मनोनीत पार्षदों को भी वोटिंग का अधिकार है स्टैंडिंग कमेटी का जब चुनाव होगा। हालांकि कल के दिन जमकर हंगामा हुआ, आज के दिन कैसी तस्वीरें होंगी, क्योंकि बिना एल्डरमैन के आम आदमी पार्टी को 12 में से 8 जोन आसानी से मिलने चाहिए थे। अगर कल के दिन वोटिंग होती तो आज के दिन देखिए क्या होगा। बीजेपी को 4 जोन में जीत हासिल होनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है आज के दिन की तस्वीरें थोड़ी अलग हो। अगर हम बात करें स्टैंडिंग कमेटी की, तो उपराज्यपाल ने जो आदेश यहां पर जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें एल्डरमैन को सिर्फ 3 जोन में नियुक्त किया जाना है। जो उपराज्यपाल का जो नोटिफिकेशन है उसकी बात हम कर रहे हैं। वहीं आगे देखिए, ताकि बीजेपी 4 की बजाय 7 जोन से अपने सदस्यों को स्टैंडिंग कमेटी में भेज सके, ये कहा गया है। स्टैंडिंग कमेटी बहुत ही पावरफुल, सारी पावर क्योंकि यहीं से फाइलें पास होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें शैली ओबराय की, जिन्होंने देखिए मेयर चुनाव का तो अपना ताज अपने नाम कर लिया, लेकिन रेखा गुप्ता यानी कि हारी हुई प्रत्याशी बीजेपी की, जिनसे बातचीत की हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने, सुनिए क्या कुछ कहा। सवाल बड़ा है कि आज क्या स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव हो पाएगा। रेखा गुप्ता जी हैं। रेखा जी, पहला सवाल तो ये, आखिर जो हंगामा परसों रात देखा गया, क्या वही होगा या शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव? देखिए, हम केवल इतना चाहते हैं कि फेयर तरीके से और सीक्रेट बैलेट के साथ में वोटिंग हो। कल भी हमारी यही डिमांड थी। आप मुझे बताइए कि वो खुद कह रही है मेयर कि बैलेट बॉक्स के अंदर 47 वोट है और वो 56 से शुरू करवाना चाहती है। 47 और 56 के बीच के वोट कहाँ गए भाई? कौन जवाब देगा? एक भी वोट अगर गायब है तो क्या वो फेयर वोटिंग है? क्या वो वैध है? कोई कह सकता है? म्यूनिसिपल सेक्रेटरी कह सकता है कि कोई कानूनविद कह सकता है? तो हम जब कह रहे हैं कि जो चुनाव जो है वैध नहीं है, उसको नहीं माना जा सकता, वो एक नंबर से ही शुरू होगा, तो वो कैसे जिद कर सकते हैं? रात भर उन्होंने काउंसलर्स को बिठा के रखा पूरी रात। हम सुबह 9 बजे के आए, अगले दिन 12 बजे घर जाते हैं और
कौन मान सकता है उसको? इतनी अमानवीय स्थिति में सारी महिला पार्षद वहाँ थी, उनके पार्षद किसी को चांटे मार रहे हैं, किसी के कपड़े फाड़ रहे हैं, कैसे बर्दाश्त हो सकती है ये सारी चीज़ें? मुझे जवाब मिले ना, हम करें क्या? हमें तो बंधक बना करके वहाँ वोटिंग के लिए पकड़ लिया गया। जो वीडियो सामने आया, आप पोडियम को हिला रही थी, कल मेयर ने कहा कि आपको और जो अमित नागपाल हैं जिन्होंने बैलेट पेपर फाड़ा उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। निश्चित कार्रवाई कीजिए, और मैं कह रही हूँ एक पे नहीं, आप सब पे कीजिए ना। जिसने चांटे मारे पार्षद को उस पे कार्रवाई कीजिए, जिसने महिला पार्षद के कपड़े फाड़े आप उस पे कार्रवाई कीजिए, जिसने पहले हाउस में सदन में माइक तोड़ा था उस पे कार्रवाई कीजिए, जिसने बोतलें उठा के फेंकी उस पे कार्रवाई कीजिए, इस मेयर पे कार्रवाई कीजिए जिसने रात भर पार्षदों को अपनी जिद के कारण बिठा के रखा, जिसने खाने की व्यवस्था नहीं करी, जिसने पानी की व्यवस्था नहीं करी, जिसने पूरे शौचालय, पूरी बिल्डिंग के शौचालय गंदे थे और पूरी रात भर पार्षद कैसे तड़पते हुए वहां पे पड़े रहे, उसके ऊपर कार्यवाही कीजिए, तो रेखा गुप्ता पे भी कार्यवाही कीजिए। कौन शेरावत ने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया? वो लोग कह रहे हैं कि तोड़ने का काम तो आप लोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की कुरीतियों के कारण जो उसका दम घुट रहा था उसने पार्टी छोड़ी और आज आकर के सारी सच्चाई बताई कि किस तरीके से उनके नेता उनको आदेश करते थे कि इसको मारो, इसको ऐसे पूरा का पूरा हाउस बिगाड़ने के लिए जो आदेश मिलते थे, इस कारण से उसने वहाँ पे पार्टी छोड़ी है। और ऐसा मैं समझती हूँ अनेकों पार्षद जो हैं तड़प रहे हैं उनके अंदर बैठे हुए, जो वो देखते हैं कि आंखों के सामने गलत हो रहा है। अरे कौन सी किताब में लिखा है डे एंड नाइट मैच के तरीके से चुनाव होगा? रात भर बिठा के रखोगे पार्षदों को वोटिंग के लिए, उनको पीने के लिए पानी तक भी नहीं मिलेगा। बेचारी महिला पार्षद अपने घर में अपने बच्चे से फोन पे बात करिए बेटा, मतलब आप वो बेंचों पे पड़ी हैं, मतलब ये मेयर की तानाशाही नहीं तो क्या है? वो क्या चाहती हैं? 5 मिनट के लिए आती, हाउस अर्जेंट है बोल करके चली जाती हैं 15 मिनट के लिए, और 2-2 घंटे में आई है, 13 बार हाउस अर्जेंट हुआ, रात भर पार्षद बैठे रहे, वो तो चली जाती, पीछे से उनके पार्षद झगड़ा करते हैं, धक्का मुक्के, मतलब मेरे सामने मेरी महिला पार्षद के कपड़े फाड़ दिए और मैं एक्शन पे रिएक्शन भी ना दूँ, मतलब ये कैसे संभव है? मुझे अपनी महिला पार्षदों का, उनके सम्मान का, उनकी सुरक्षा का जिम्मा मेरा भी है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी रक्षा में कुछ ना करो। बिल्कुल रेखा गुप्ता जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया था, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या आज स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से होगा? कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। लेकिन अगर हम बात करें स्टैंडिंग कमेटी, जिसके चुनाव को लेकर रार छिड़ी हुई है, आखिर स्टैंडिंग कमेटी महत्वपूर्ण क्यों है ये भी जानिए आप, एक बार आपको समझाते हैं। स्टैंडिंग कमेटी देखिए महत्वपूर्ण क्यों है, अगर बीजेपी हाउस से स्टैंडिंग कमेटी की 3 सीटें जीत लेती है और साथ ही 7 सदस्य उसके अलग अलग जोन से चुने जाते हैं तो बीजेपी का बहुमत स्टैंडिंग कमेटी में हो जाएगा। वहीं आगे अगर हम बात करें तो इसमें से 18 में से 10 सदस्य चुन लिए जाएंगे, क्योंकि उसके 18 में से 10 सदस्य ऐसे में आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो अपना मेयर बनवा करके भी स्टैंडिंग कमेटी पर कब्जा नहीं कर पाएगी, यानी कि मुश्किल तमाम हो जाएगी अगर स्टैंडिंग कमेटी में कम सदस्य होंगे तो। वही देखिए, अगर कोई प्रोजेक्ट अगर स्टैंडिंग कमेटी में है और आम आदमी पार्टी की मेयर है तो फिर उसको पास करवाने में भी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो हाउस में नहीं करवा सकेगी। अगर कोई प्रोजेक्ट स्टैंडिंग कमेटी में ही पास नहीं हो पाएगा तो फिर वो हाउस में भी नहीं जा पाएगा, यानी कि मेयर बनाने के बाद भी आम आदमी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला और टकराव और भी कहीं ज्यादा और बढ़ जाएगा। सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नमित, स्टैंडिंग कमेटी क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों इसको लेकर रार छिड़ी हुई है ये दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है क्या आज के दिन तय हो पाएगा कि हाँ किस दिशा में जा रहा है? नमित, देखिए बिल्कुल सागर, ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि परसों रात जो हंगामा सदन के अंदर देखा गया, क्या उसी तरीके की तस्वीर आज सुबह भी देखी जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा ये कि जो अभी तक वोटिंग हो चुकी है जिन सदस्यों की, क्या उससे आगे वोटिंग होगी या फिर नए सिरे से स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा, जो बीजेपी लगातार मांग कर रही है। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव जो है वो होना है सिविक सेंटर में, और टोटल स्टैंडिंग कमेटी के अंदर 18 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्यों का चुनाव जो है वो जोन लेवल पर होता है, लेकिन जिन 6 सदस्यों चुनाव सिविक सेंटर के अंदर यानी कि सदन की बैठक में होना है, उसमें से 4 आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से 3 उम्मीदवारों को उतारा गया है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो 3 उम्मीदवार उनके जीतने की आशंका है, वहीं बीजेपी की बात करें तो उनके भी 2 उम्मीदवार जीत सकते हैं, लेकिन एक जो उम्मीदवार है उस पर पेच फंसेगा। और जहां तक अगर हम बात करें जो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य होते हैं उसकी काफी पावर होती है, क्योंकि जो स्टैंडिंग एमसीडी के अंदर प्रशासनिक और जो आर्थिक फैसले होते हैं वो
वो स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ही लिए जाते हैं और उसके बाद सदन को, सदन की जो मेयर होती हैं उनको प्रस्ताव भेजा जाता है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का भले ही मेयर और डिप्टी मेयर बन जाए लेकिन अभी भी अगर स्टैंडिंग कमेटी में उनकी पावर नहीं रहेगी तो उनके पास वो पूर्ण तरीके से अधिकार जो है वो नहीं आ पाएंगे। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी चाह रही है कि स्टैंडिंग कमेटी में भी उनका दबदबा रहे। एक बार थोड़ा सा ये तस्वीरें दिखा दूं क्योंकि सिविक सेंटर पर ये जो बैठक है वो कुछ ही देर में शुरू होगी और तमाम जो पार्षद हैं उनका आना आना अब यहाँ से शुरू हो गया। हालांकि अंदर अगर बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया है क्योंकि परसों रात जो तस्वीरें यहाँ पर देखी गई थी लात घुसे चले थे, हाथापाई हुई थी, पानी की बोतलें फेंकी गई थी। तो ऐसे में वो स्थिति ना देखी जाए, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, इसको लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेज को डिप्लॉय किया है। और दूसरी बात सागर की इस बार यहाँ पर सिविक सेंटर के अंदर जाने के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी बदला गया है, यानी कि पार्षद के साथ जो 6 से 7 लोग आते थे उनको अब अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, केवल अंदर पार्षद की ही एंट्री है। बिल्कुल, आज के दिन बोतल ना फेंके जाए, आज के दिन लात घूसे ना चले, आज के दिन इस तरह की हाथापाई ना हो, ये उम्मीद हम करते हैं दोनों तरफ के पार्टी के नेताओं से, क्योंकि ये आम जनता के बीच अच्छा संदेश ये नहीं जाता है। शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव किसके पक्ष में जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, न्यूज इंडिया पर खबरें लगातार जा रही है। तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, आज के दिन राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता डेलीगेट्स यहां पर पहुंच रहे हैं लगातार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर में ही इस वक्त मौजूद है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर रोड मैप पूरा तैयार कि कैसे बाजी मारी जाए इस बार विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनाव में अपना दबदबा दिखाया जाए। देखिए रायपुर की सड़कें किस तरह से पोस्टर से इस समय पड़ चुकी हैं। कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल, ये तमाम दिग्गज नेता आपको आज के दिन रायपुर में दिखाई देंगे एक ही मंच पर। उम्मीद यही की जा रही है कि सारे नेता आज पहुंचेंगे क्योंकि बहुत अहम ये लम्हा है। रोड मैप जब तैयार होगा आने वाले चुनावों को लेकर तो सभी के विचार जरूरी हैं, मंथन जरूरी है कि आखिर देखिए देखते ही बनते हैं इस समय रायपुर की सड़कें, हर तरफ कांग्रेस के झंडे, पोस्टर, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, भूपेश बघेल, ये तमाम दिग्गज नेता आपको पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहां पर शुरुआत हो चुकी है और नेता लोग पहुंच रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर में मौजूद है। हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। आशिफ जी स्वागत है न्यूज, आशिफ जी चलिए जुड़ेंगे फिर से। तो छत्तीसगढ़ में इस समय हमारे न्यूज एडिटर भी मौजूद हैं आशिफ इकबाल, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर कितनी देर में अधिवेशन ये जोर पकड़ेगा और कौन कौन से नेता यहां पर शामिल होंगे। डेलीगेट्स इस समय रायपुर पहुंच रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस के तमाम नेता जो पहुंच रहे हैं इस समय, तो छत्तीसगढ़ के भी तमाम दिग्गज नेता मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं कि कैसे रोड मैप तैयार किया जाए क्योंकि साल के आखिरी में छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव, 90 विधानसभा सीटें हैं। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर अधिवेशन से जुड़ी क्या कुछ खास बातें हैं। आज से शुरू हो रहा है कांग्रेस का ये राष्ट्रीय अधिवेशन, तो चलिए ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर ये कितना महत्वपूर्ण अधिवेशन। देखिए आप रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि आज से शुरू हो रहा है, तमाम दिग्गज नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, यह सिलसिला लगातार जारी है। वहीं अगर बात करें इस अधिवेशन में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल, और आज से 26 फरवरी तक ये राष्ट्रीय अधिवेशन चलेगा। इसके पहले 84 अधिवेशन ऐसे हो चुके हैं। 26 फरवरी तक भारत छोड़ो से भारत जोड़ो तक की थीम पर यह अधिवेशन है, यानी कि बीजेपी पर भी निशाना साधा जाएगा इस पूरे अधिवेशन के दौरान और रणनीतियां भी तैयार होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी रायपुर पहुंच चुके हैं, ये दिग्गज नेता पूरा रोड मैप तैयार करेंगे, मंथन किया जाएगा कि आखिर कैसे सेट किया जाए और कैसे साधा जाए एक एक सीटों को। प्रियंका गांधी वाड्रा 25 फरवरी को रायपुर पहुंचेंगे, यानी कि वो दिन होगा कल का जब प्रियंका गांधी आपको नजर आएंगे। वही देखिए देश भर के करीब 15,000 कांग्रेस के प्रतिनिधि यहां पर शामिल होंगे, 15,000 कांग्रेस के प्रतिनिधि रायपुर में आपको दिखाई देंगे, मतलब कि जमावड़ा लगेगा कांग्रेस के नेताओं का और फिर तैयार होंगी रणनीतियां कैसे बिसात बिछाई जाए सन 2024 और इस साल के चुनाव को लेकर। 1338 निर्वाचित और 487 वो आप वहां पर होंगे, 9915 पीसीसी प्रतिनिधि और 3000
कोऑप सदस्य भी शामिल होंगे इस अधिवेशन में। वहीं आगे अगर हम बात करें तो इस अधिवेशन को लेकर देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल 120 सदस्य भी यहां पर शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा में जो जो नेता रहे थे वो सभी दिग्गज नेता आपको दिखाई दे सकते हैं। तो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी, यानी कि इस साल जो जो चुनाव होने वाले हैं और अगले साल भी कई राज्यों में भी चुनाव है और लोकसभा चुनाव भी है। चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर की तरफ अब रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर कांग्रेस का महाधिवेशन शुरू होने वाला है। बीजेपी पर हमला बोला इस समय खड़गे ने, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हनन का आरोप लगाया। खड़गे बोले, कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है सरकार, संसद में कांग्रेस नेताओं को बोलने नहीं देती सरकार। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के हनन का इन्होंने आरोप लगाया। क्या कुछ कहा है खड़गे साहब ने, सुनिए आप। हम जब पार्लियामेंट के अंदर बोलना चाहते हैं तो भी ये लोग हमको बोलने नहीं देते, जब हम अपनी बात बाहर रखना चाहते हैं तो उस वक्त भी बोलना चाहते हैं, हमको बोलने नहीं देते। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आज़ादी को खत्म करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और इनके हाथ में डेमोक्रेसी और संविधान सुरक्षित नहीं है। तो चलिए एक बड़ी खबर इसी बीच, पवन खेड़ा पर असम के सीएम का हमला। हेमंत विश्वा शर्मा पर का पवन खेड़ा पर हमला, उम्मीद है आगे अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आरोपी ने बिना शर्त माफी मांगी, पवन खेड़ा पर हमला। हेमंत विश्वा शर्मा का पवन खेड़ा पर हमला। पवन खेड़ा आपको याद होगा कल के दिन जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी एयरपोर्ट से, तमाम नेता जो अधिवेशन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जब पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई फ्लाइट के अंदर से, तो तमाम नेता भी कहे हम भी उतरेंगे पवन खेड़ा के साथ ही। सभी एयरपोर्ट पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे, धरना देने लगे और ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक। जब सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचा तो हालांकि अंतरिम जमानत मिल गई पवन खेड़ा को, लेकिन आज अधिवेशन में आपको दिखाई देंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं पवन खेड़ा। सहयोगी रवि सर्राफ फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। रवि, ताजा अपडेट फिलहाल क्या है, पवन खेड़ा अब सुरक्षित है पूरी तरह से, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आ चुका है? बिल्कुल सागर, देखिए वर्डिक्ट अभी मंगलवार तक के लिए आया है, मंगलवार को देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तमाम शिकायतें हैं उसको एक साथ क्लिप किया जाए, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो अलग अलग थानों में शिकायतें हैं, आसाम की अलग अलग थानों में शिकायतें, तो ऐसे में तमाम थानों की जो शिकायतें हैं उसको एक साथ क्लिप किया जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए देखा जाएगा। पर फिलहाल हेमंता बिस्व शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि पवन खेड़ा ने बिना शर्त माफी मांगा है। पर पवन खेड़ा पहले से ही इस बात को कहते रहे, जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया तब भी उन्होंने कहा था कि गलती से टंग क्लिप कर गया, इस वजह से नाम में मिस्टेक हुआ। ये बात पहले भी पवन खेड़ा कह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के कई जो नेता हैं वो कह चुके हैं, पर उसके बावजूद पुलिस किस तरह से कार्रवाई हुई, अचानक फ्लाइट के अंदर जाना, उनको बाहर लेकर आना और मिसगाइड करके, क्योंकि देखिए अगर आपको गिरफ्तारी करनी है तो वजह बताई जाती है कि हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं, ये हमारे पास वारंट है, पर पुलिस की तरफ से ये कहा जाता है कि आपके बैग का चेकिंग करना है, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप नीचे आइए, उसके बाद फिर गिरफ्तारी की प्रक्रिया की जाती है। तो ये इस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल कई सारे उठाए थे, उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई, मामला कोर्ट तक चला गया, द्वारका कोर्ट में पेशी हुई पवन खेड़ा की, सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंह भी पहुंच गया, उसके बाद स्टे उन्हें मिला। फिलहाल तो मंगलवार को अब देखना होगा फिर आगे क्या कार्रवाई होती है, पर फिलहाल पवन खेड़ा बिल्कुल, अब मंगलवार के बाद क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। तो पवन खेड़ा कांग्रेस के दिग्गज नेता, कल के दिन जमकर हंगामा किया, कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाए मौजूदा सरकार पर, आगे क्या एक्शन होगा देखने वाली बात। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, खबरें लगातार जारी। नमस्कार।